हाँ तो बच्चे आ जाइए। बताया गया है कि बोर्ड से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी को लेकर के आपको आया हूँ। और उम्मीद है कि आप बच्चे इसे देखते हैं और बनाते भी हैं, फार्मूला याद रखा कीजिए, चैप्टर पढ़े हैं तो। तो चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो देखेंगे। बोल रहा है कि बहुपद p ऑफ x इज इक्वल टू, तो p ऑफ x लिखेंगे। p ऑफ x कितना दिया है? दिया है आपका x³ - 3x² प्लस का 5x - 3। आगे आपका बोल रहा है g ऑफ x, तो g ऑफ एक्स आपका दिया है x² - 2, से भाग दीजिए तथा भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। देखिए पी जी ऑफ एक्स से पी ऑफ एक्स में भाग देना है, तो पहले क्या लिखेंगे? x² - 2, फिर लिखेंगे x³ - 3x² प्लस का 5x - 3। ऐसे करने के बाद में सबसे फर्स्ट करेंगे ये कि यहाँ पे भाग का सिस्टम होता है कि पहला पद किसी भी हाल में कट जाना चाहिए, तो जबरदस्ती काटने की नहीं जरूरत है। यहाँ आपका x² है, तो इस x² में हम कितना से गुना करेंगे कि यहाँ x³ आ जाएगा। मान लीजिए कि अगर हम x से गुना करते हैं यहाँ पे, तो x से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा x³, फिर माइनस है तो माइनस, यहाँ पे आपका माइनस है तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ x और यहाँ 2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 2x। चिन्ह चेंज करेंगे, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा -3x². देखिए यहाँ ना लिख करके यहाँ लिखा गया, क्यों? क्योंकि ये x² आ, यहाँ आपका आया क्या चीज में? x में आया है, तो x में जब आएगा तो जब भी लिखेंगे तो x वाला के सामने लिखेंगे, इसको ऐड कीजिएगा तो आपका कितने हो जाएंगे? 7x। यहाँ पे आपको लाना है -3x², कितना से गुना करेंगे -3x² लाना है तो? आप कुछ मत कीजिए, -3x² लाना है तो -3x से गुना कर देंगे, ओ सॉरी x से नहीं, ओनली -3 से, तो माइनस आपका क्या हो जाएंगे? 3x², ऊपर आपका -3 है तो -3 भी लिख दीजिएगा। आगे आपका जैसे क्या है, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तीन दुना का कितना हो जाएगा? 6। अब देखिए यहाँ प्लस, यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस, कैंसिल, यहाँ पे आपका 7x, यहाँ आपका क्या हो जाएगा? माइनस का 9। तो आपका भागफल कितना हो जाएंगे? x - 3, और शेषफल कितना हो जाएंगे? 7x - 9, क्योंकि यहाँ x² है, यहाँ आपका 7x है, इससे आगे आप ले नहीं जा सकते हैं, ज्यादा कीजिएगा तो इससे यहाँ ला करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपका देखिए भाग भाजक जो ऐसे बड़ा हो गया और शेषफल जो ऐसे क्या हो गया? छोटा। अब इसको आगे नहीं लेकर के जा सकते हैं, तो यहीं पे आपका लिख सकते हैं, अतः भागफल बराबर में x-3, शेषफल बराबर में 7x-9, ये आपका क्या हो जाएंगे? आंसर। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आपका बोल रहा है कि मान निकालिए, किसका निकालना है? sin 60 × cos 30 प्लस में आपका sin 30 cos 60, sin 30 × में आपका क्या चीज? cos 60। sin 60 का वैल्यू क्या होता है? √3/2।
इंटू है तो इंटू रहने दीजिएगा, कोस थीस का वैल्यू क्या होता है रूट थ्री बाई टू, यहाँ पे चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, साइन थीस का वैल्यू कितना होता है वन बाई टू, आप मान याद किए होंगे, कोस 60 का वैल्यू कितना होता है वन बाई टू, रूट थ्री से रूट थ्री में गुना की जगह थ्री, टू से टू में करोगे फोर, प्लस है प्लस, वन से वन में करोगे वन, टू से टू में करोगे फोर, एलसीएम करोगे फोर आ जाएगा, फोर से फोर कैंसिल वन थ्री यानी कि वन, ऐड कीजिएगा थ्री और वन कितने हो जाएंगे फोर बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल इज इक्वल क्या हो जाएंगे वन, यानी कि इतना का मान कितना हो जाएगा तो वन हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, बोल रहा है कि एक्स का मान ज्ञात करिए, जो आपका बिंदु दिया है पहला पी आपका है टू और माइनस थ्री, और दूसरा आपका बता रहा है कि क्यू ऑफ और में जो इसे दिया है आपका क्यू, तो क्यू आपका दिया है वाई और टेन, यही है ना, सॉरी टेन एंड क्या दिया है वाई, तो बोल रहा है इन दोनों के बीच की दूरी का मात्रक 10 है तो एक्स का मान ज्ञात करना है। तो देखिए दो बिंदु आपका दिया हुआ है, लिख दीजिएगा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर में कितना दिया है 10 मात्रक दिया है, मात्रक, ठीक है ना। तो पहले क्या करेंगे फार्मूला लगाएंगे, उससे भी पहले आप लिख सकते हैं एक्स वन बराबर में टू और एक्स टू बराबर में 10, दूसरा लिखिएगा वाई वन बराबर में माइनस थ्री और वाई टू बराबर में वाई, इतना लिखने के बाद में लिखिएगा आप दो बिंदुओं के बीच के या फिर बीच की दूरी बराबर में अंडर रूट क्या होता है एक्स वन माइनस और एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, रूट में कीजिएगा इसको, है ना। अब देखिए एक्स और वाई सबका वैल्यू रख दीजिएगा, तो रखने के बाद में रूट यहाँ पे आपका दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितना दिया है 10 दिया है, तो 10 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर कितना लिखा गया 10 मात्रक, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो 10 लिख देंगे। एक्स टू का वैल्यू कितना है 10 है, एक्स वन का वैल्यू कितना है 2 है, इसका स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस कर देंगे, वाई टू का वैल्यू कितना है वाई है, वाई वन का मान माइनस एक यहाँ है और एक फार्मूला माइनस का थ्री, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिएगा 10 तो 10 इज इक्वल 10 में से 2 जाएंगे 8 का स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस है तो प्लस, वाई माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थ्री का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद जो इसे आप कर दीजिएगा दोनों तरफ वर्ग, तो लिख दीजिएगा यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो 10 का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पे आप 8 का स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का स्क्वायर करेंगे, इसका होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपके आ जाएंगे 100, और इसका स्क्वायर करेंगे रूट का तो डायरेक्ट आपका आ जाएगा 64, देखिए यहाँ पे अठी अठी 64, इसको जैसे प्लस में आपका वाई प्लस थ्री का स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दीजिएगा, 100 है 100, 64 है 64, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे लेके चले जाएंगे, वाई का स्क्वायर प्लस में 6 वाई, 2ab ना, तो a के जगह पे y है, b के जगह पे आपका क्या है 3 और 2, फार्मूला वाला अगर नहीं तो यहाँ पे आप फार्मूला पे सेट कर सकते हैं, y का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस में 3 का स्क्वायर। आगे देखेंगे क्या हो जाएगा आपका 100 इज इक्वल 64 प्लस में आपका y स्क्वायर
प्लस में आपका 6y प्लस का क्या हो जाएगा 9। अब देखेंगे यहाँ पे सजा करके थोड़ा सा लिख देंगे 100 इज इक्वल वाई स्क्वायर प्लस का 6y स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद में कितना हो जाएगा 3 और 1 क्या हो जाएंगे 7। आगे देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का आपका 73 है, 73 इसको आप यहाँ लेकर के आएंगे तो आने के बाद में आपका हो जाएगा क्या माइनस का 100 इज इक्वल 0 है तो 0। अब देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस का 6y लेस करोगे तो लेस करने के बाद में यहाँ रफ में कर लीजिएगा 73, 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेंगे, यहाँ आपका बचा कितना 9, 9 में से 7 जाएंगे 2, यानी कि माइनस का 27 इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 0। अब इसको फैक्टर करेंगे यहाँ पे, तो फैक्टर करेंगे तो फैक्टर आप कैसे करेंगे वो देखिएगा, वाई स्क्वायर प्लस का 9y माइनस का 3y, 9 से 3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने आ जाएंगे 9 27, अब 9 में से 3 जाएंगे यहाँ 6 आ जाएंगे, माइनस का 27 है तो 27 इज इक्वल 0 है तो 0। y का कॉमन करेंगे तो y प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे y लिखिएगा, माइनस में आप 3 का कॉमन करेंगे तो y प्लस का 9 हो जाएगा इज इक्वल 0 है तो 0। देखिए ये दोनों जगह से माइनस निकाले हैं तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, आप जानते हैं कि अगर आपका फैक्टर सही होगा तो दोनों घर वाला जैसे मिल जाता है, अब दोनों घर वाला मिल गया तो यानी फैक्टर आपका सही है, एक घर के अंदर वाला एक घर के बाहर वाला, y माइनस 3 और दूसरा आपका क्या हो जाएगा y प्लस का 9 इज इक्वल 0 है तो 0। बारी बारी से जो है 0 को बराबर करेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y बराबर में 3। दूसरा आपका है कि y प्लस का 9 इज इक्वल 0, y इज इक्वल टू माइनस का 9। चलिए यहाँ पे y का वैल्यू डबल आ गया, एक आपका 3 दूसरा माइनस का 9, हाँ कहाँ पे जगह है यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आप लिखिएगा अतः दो बिंदु निकले हैं एक 3 और माइनस 9 पर बिंदु की बीच की दूरी कितना हो जाएगा 10 होगा, यही आपका आंसर हो जाएंगे। दैट्स ऑल, ओके फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।